हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों सादर नमन, वंदन और अभिनंदन। भक्तों हिमाचल प्रदेश आदि अनादि काल से जहां देवी देवताओं की लीला स्थली रहा, तो वहीं ऋषियों, महर्षियों और तपस्वियों की तपस्थली भी रहा है। युगो युगों से हिमाचल की हिम आच्छादित गिरी कंदराएं साधु संतों को तपस्या के लिए लुभाती रहीं और बुलाती रही हैं। ये परंपरा आदिकाल से अब तक अनवरत चलती आ रही है। आज भी साधना पथ पर अग्रसर होने वाले तपस्वियों की तपस्या हिमालय की कंदराओं में ही पूर्णता को प्राप्त करती है। तपस्वियों ने जिन जिन स्थानों पर तपस्या की है, उन स्थानों पर तपस्वियों, तपस्या के प्रतीक तीर्थों, धामों और मंदिरों के रूप में अब भी विद्यमान है। ऐसा ही एक मंदिर है, शिमला का संकट मोचन मंदिर। भक्तों संकट मोचन शिमला का अत्यंत लोकप्रिय व प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर की जगह इतनी शांत और सुंदर है कि यहां पहुंचते ही आपके सारे कष्ट, सारे संकट और सारी परेशानियां अपने आप ही दूर होने लगती है। भक्तों संकट मोचन मंदिर बाबा नीब करोरी जी महाराज द्वारा बनवाया गया था। बताया जाता है कि संत नीब करोरी बाबा, जिन्हें नीम करौली बाबा के नाम से भी जाना जाता है और जिनका मशहूर कैंची धाम आश्रम नैनीताल के पास है, तारा देवी नाम की इस पहाड़ी पर आकर एक कुटिया में 10-12 दिन तक रहे। इस जगह पर योग ध्यान करते हुए उन्हें प्रेरणा हुई कि यहां पर हनुमान जी का एक मंदिर बने। बाबा ने अपनी इच्छा अपने अनुयायियों को बताई। भक्तों हिमाचल प्रदेश के तत्कालीन उपराज्यपाल राजा बजरंग बहादुर सिंह बाबा नीप करोरी जी के परम भक्तों में शामिल थे। उन्होंने भगवान सहाय और अन्य भक्तों के साथ मिलकर वर्ष 1962 में मंदिर का निर्माण शुरू कर 21 जून 1966 मंगलवार को इस मंदिर का उद्घाटन व प्राण प्रतिष्ठा कर अपने गुरु को सच्ची गुरु दक्षिणा दी। भक्तों संकट मोचन मंदिर परिसर में हनुमान जी महाराज अकेले कैसे रहते, सो कालांतर इस लोकप्रिय श्री राम दरबार अर्थात श्री राम सीता लक्ष्मण की झांकी मूर्तियां प्रतिष्ठित की गईं। भगवान हनुमान के साथ साथ प्रभु श्री राम भगवान, शिव, नवग्रह और दक्षिण भारतीय शैली में विघ्नेश्वर गणेश के अलावा बाबा नीब करौरी महाराज की जीवंत मूर्ति स्थापित है। ये सभी मूर्तियां यात्रियों और पर्यटकों के अंदर श्रद्धा और भक्ति का भाव संचारित करती है। भक्तों संकट मोचन मंदिर परिसर में एक 3 मंजिला इमारत है, जिसका एक भाग लंगर और प्रसाद हॉल के रूप में प्रयोग किया जाता है। इमारत के बाकी हिस्सों का प्रयोग मैरिज हॉल के रूप में दिया जाता है, जो बहुत ही मामूली शुल्क पर गरीबों और असहाय लोगों को शादी ब्याह के लिए दिया जाता है। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम।